हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट का हाल कैसा रहेगा। देखेंगे फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,290 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,700 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 38,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 39,000 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है मारुति सुजुकी, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 8,949 पर। स्टॉप लॉस 8,750, पहला टारगेट 9,150 और दूसरा टारगेट 9,400 पर रख सकते हैं। फिर है TV18 ब्रॉडकास्ट, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 69.5 पर। स्टॉप लॉस 67.5, पहला टारगेट 71.5 और दूसरा टारगेट 74 पर रख सकते हैं। फिर है ल्यूपिन लिमिटेड, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 801 पर। स्टॉप लॉस 780, पहला टारगेट 823 और दूसरा टारगेट 846 पर रख सकते हैं। फिर है परसिस्टेंट सिस्टम्स, जहां पर स्ट्रांग वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 4,367 पर। स्टॉप लॉस 4,270, पहला टारगेट 4,475 और दूसरा टारगेट 4,590 पर रख सकते हैं। फिर आता है अडानी एंटरप्राइजेस, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1,783 पर। स्टॉप लॉस 1,740, पहला टारगेट 1,830 और दूसरा टारगेट 1,870 पर रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं उनके परफॉर्मेंस। SRF वेंट अप 2.5% एंड GNFC वेंट अप 2.4%। अब देखते हैं स्टॉक इन न्यूज। इसमें हम बात करेंगे टाटा पावर, पावर ग्रिड और बर्जर पेंट्स के बारे में। सबसे पहले टाटा पावर की बात करें तो क्वार्टर 3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट केम एट रुपीज 4.26 बिलियन वर्सेस रुपीज 2.5 बिलियन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर 3 रेवेन्यू स्टूड एट रुपीज 109.13 बिलियन वर्सेस रुपीज 75.98 बिलियन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर 3 एबिटा वाज एट रुपीज 16.34 बिलियन वर्सेस रुपीज 17.5 बिलियन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर 3 एबिटा मार्जिन वाज एट 14.9% वर्सेस 23.04% ईयर ऑन ईयर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो क्वार्टर 3 स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट स्टूड एट रुपीज 33.49 बिलियन वर्सेज रुपीज 33.24 बिलियन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर 3 रेवेन्यू केम एट रुपीज 100 बिलियन वर्सेज रुपीज 96.8 बिलियन ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने अ सेकेंड इंटरम डिविडेंड ऑफ रुपीज 5.50 पर शेयर अप्रूव किया। वहीं बर्जर पेंट्स की बात करें तो क्वार्टर 3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट स्टूड एट रुपीज 2.53 बिलियन वर्सेज रुपीज 2.74 बिलियन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर 3 रेवेन्यू केम एट रुपीज 25.51 बिलियन वर्सेज रुपीज 21.18 बिलियन एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ जरूर बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशंस हमें ऐसे ही कॉमेंट सेक्शन में देते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।